나와 함께가 이 밤은 길잖아 널 부르고 있어 나 위에 불러줘요 제메 아자 제메야 아자 साउथ कोरिया से भारत का 50 साल का रिश्ता पूरा होने जा रहा है। इसी क्रम में जो है जो यूपी टूरिज्म है वो एक स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया है साउथ कोरिया के के-पॉप जो स्टार्स हैं उनके साथ। पीटी श्रीवास्तव जी डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ हैं टूरिज्म की। मैम स्वागत है आपका ग्रेट न्यूज में। तो क्या ओवरऑल प्रोग्राम है, क्या डिज़ाइन किया है आपने? देखिए ये भारत और कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली ये दो सिंगर्स हैं जो आपने देखे अभी फ्राइडे और आरो, और ये आए हैं और ये भारतीय प्लस विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी ये अपने पॉप सॉन्ग्स को प्रस्तुत करेंगे। तो ये युवाओं को बहुत जोड़ने का एक तरीका है, कोरिया के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा, वो कोरिया की संस्कृति को जानेंगे, कोरियावासी हमारी संस्कृति को जानेंगे और हमारे दो देशों के संबंध और मजबूत होंगे। और इसी कड़ी में ये परफॉर्मेंस आज शारदा यूनिवर्सिटी में हो रहा है शाम को, और अगले तीन और इवेंट्स हमारे लाइंड अप हैं। एक हमारा लखनऊ में होगा, उसके बाद कानपुर में होगा और लास्टली हमारा आगरा में होगा, उसके बाद ये अन्य राज्यों में जा रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। कुछ रिश्ता भी आप बता रही थी ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस की, साउथ कोरिया और भारत का कुछ बहुत अभिन्न रिश्ता है, वो क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए किंवदंतियों के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना एक समय था जब वो एक नौका में बैठकर दक्षिण कोरिया की ओर वो गईं और वहाँ पे उन्हें किंग सूरो मिले जिनके साथ उनका विवाह हुआ और कालांतर में वो कोरिया के राजा बने। और वहाँ पे किमहे स्टेट है जो उनका पैतृक निवास था। किमहे के अयोध्या के साथ सिस्टर संबंध है, तो इस तरह से ये बहुत ही एक प्रागढ़ रिश्ता है और एक तरह से ये कोरिया वासियों का ननिहाल हुआ। तो वे प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रानी हो का एक स्मारक भी स्थापित किया गया है अयोध्या में, और इससे हमारे संबंध प्रतिवर्ष और प्रागढ़ होते जा रहे हैं। अभी हाल में G20 ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें टूरिज्म को खास करके फोकस किया गया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ये जो प्रोग्राम है ये हमारे टूरिज्म को खासकर यूपी टूरिज्म को कितना बढ़ावा देगा? बिल्कुल, देखिए टूरिज्म हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए नहीं, वो युवा वर्ग के लिए भी है। तो बेसिकली इस तरह के इवेंट्स सबको जोड़ते हैं पर्यटन के प्रति, और पर्यटन का जो महत्व है, पर्यटन जो एक इकोनॉमिक जनरेटर है उसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होती है। ग्रेट न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ के पॉप ग्रुप के जो कलाकार हैं ओरा हैं वो हैं और हम उनसे जानेंगे, रचना जी हैं जो इसको ट्रांसलेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगी। ओरा वेलकम टू ग्रेट न्यूज़। तो पहले आप पहले भी इंडिया हैं या आप इस बार भी आए, तो कितना एक्साइटमेंट, हाउ मच यू आर एक्साइटेड टू कम इन इंडिया? हाउ एक्साइटेड? आई एम सो वेरी एक्साइटेड, या आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश। सुनाने क्या वाले हैं आप, और भी जगह आपको जाना है तो कौन कौन लैंग्वेज का आप जो है परफॉर्मेंस करेंगे? इन व्हाट ऑल लैंग्वेजेस आर यू गोइंग टू बी परफॉर्मिंग? यू आर गोइंग टू सो मेनी कॉन्सर्ट्स, व्हाट ऑल लैंग्वेजेस विल यू बी यूजिंग इन परफॉर्मेंस? विल बी इंग्लिश एंड कोरियन एंड लिटिल बी हिंदी। मैं आपको प्यार करता हूँ। अच्छा, कोई अच्छा सा गाना जिसे बहुत बढ़िया है वो जिमी जिमी, उसको हमारे माध्यम से सुनाएं। Just to sing two lines of Jimmy. Ah, okay. Na wam kega ibamun gejana nol purugo isseo nal wihae bullojeoyo Jimmy. Acha. Jimmy. आप बता रहे थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आप काम करना चाहते हैं, यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू वर्क विद इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो कौन सा कलाकार है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड? Who do you want to work with in Bollywood? I want to meet शाहरुख खान। उसके कारण कोई, उसका कोई कारण, कोई वजह? Any reason why? I think him so energy so very warm. ऐसा मानना बहुत अच्छा है। शाहरुख खान की जो एनर्जी है बहुत हाई है और बहुत वार्म है, इनको फील होता है कि बहुत ही वार्म और बहुत ही दिल से बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा उनको उनके सब काम को देख के लगता है।
और ये खुद भी वैसे इंसान है, इसलिए उनको उनके साथ काम करने में दिलचस्पी है। 24 देशों में आप बहुत पॉपुलर है आपका ये जो ग्रुप है, और 46% यूथ्स पसंद करते हैं वहाँ पे। तो मैं ये जानना चाहूँगा वहाँ की जो साउथ कोरिया की आपकी गवर्नमेंट है वो पॉप इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री जो भी है वहाँ पे, उसको किस तरह सपोर्ट करती है वहाँ पे। He says that you are so popular, almost 46% youth loves you. How is Korean government, Korean government supporting K-pop in Korea? I think now the year started. I want to so be there. India, Korea mixed together. So many of them. No, question is how is Korean government supporting K-pop? 지금은 리얼빗 좀 대기업과 좀 합쳐서 조금 조금씩 시작을 하고 있는데 앞으로는 좀 더 많아졌으면 좋겠습니다. So you कह रहे हैं कि कोरिया में K-pop काफी इकोनॉमी वाइज भी बहुत ऊपर है, तो इसलिए वहाँ सबकी सपोर्ट है K-pop को बड़ा करने के। धीरे धीरे करके बहुत साल लगे हैं K-pop को उस जगह पहुँचने के लिए जहाँ पे वो भी है, तो सपोर्ट सब जगह से है, एजेंसी की सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट, इसको इतना ऊपर लेके आने के लिए। 2009-10 से शायद इनकी शुरुआत हुई आपकी, तो मैं ये जानना चाहूँगा उन यूथ्स को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनको आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है? मैसेज टू एस्पायरिंग K-pop सिंगर्स। हाँ, K-pop स्टार के। एस्पायरिंग के पीपल हु वांट टू गो इनटू K-pop, योर मैसेज। Then love yourself and then every day listening music and so just to do it. तो ये कह रहे हैं कि इनका मंत्र है कि एक तो अपने आप को प्यार करो और ज़्यादा सोचो नहीं, जो दिल में है कि हमें ये ड्रीम है उसको करो, लेट्स जस्ट डू इट, ये इनका मंत्र है। म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक में दिलचस्पी है तो अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद को प्यार करो एंड जस्ट डू इट। तो हम संदेश सुन रहे थे ओरा का, जो के पॉप जो बहुत पॉपुलर ग्रुप है साउथ कोरिया का, और आज ये शारदा यूनिवर्सिटी आए हैं, परफॉर्मेंस देने आए हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में ये और भी जगह जाएंगे, और भी यूनिवर्सिटी जाएंगे जहां पे ये अपना परफॉर्मेंस देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।